हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सा रूटीन जो कि गर्मियों से जुड़ा हुआ है। गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि हम लोग मतलब अपनी केयर इतनी नहीं कर पाते क्योंकि पसीना और काम भी बहुत होता है। दिन भर काम करो, पसीने में रहो, रूटीन हमारा बिगड़ सा जाता है। ठीक है, मास्क लगाते हैं तो मास्क भी पसीने में बहने लगता है। ठीक है, उसको सुखाने के लिए अलग से एक अपने काम छोड़ो, टाइम दो, तो ऐसा हो जाता है, मैसअप सा हो जाता है कि हम क्या करें। ठीक है, काम करें, मास्क लगाएं, अपनी स्किन की केयर क्या करें। अरे भाई छोड़ो, रहने तो हमसे नहीं हो पाएगी ये स्किन की रूटीन, और मास्क नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते हम ऐसे। ठीक है ठीक है, ये दिमाग में बहुत ही जल्दी आ जाता है ये वाला ख्याल कि हम तो जैसे हैं ऐसे। ठीक है ठीक है, वो चीज़ को आप पाए ना अपनी ज़िंदगी से पहले तो डिलीट कर दो कि जैसे हैं हम वैसे ठीक है। ठीक है, बाद में अफसोस होता है, मुझे पता है बहुत लोगों का अफसोस मैंने सुना है कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं पाए अपने टाइम पे, हमें भी करना चाहिए था। तो ऐसा सब लोगों का, ज़्यादातर लोगों का जो हमारी तरह सोचते नहीं है, हमारी तरह अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं, उन लोगों के ख्याल होते हैं। तो चलिए जी, मैं आज आपको बताती हूँ आपका डे रूटीन और नाइट तक वो चलेगा। पूरा डे रूटीन है जो अपना, आपका रात होता है ना गुड नाइट तक, आपका प्लान तैयार हो जाएगा। ठीक है, स्किन की केयर करने का, और आसानी से आप कर भी सकते हो। उसमें आपको ये नहीं है कि काम छोड़ना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको ये रूटीन अच्छे से फॉलो करना है। और ये बहुत ही आसान सा रूटीन है। ठीक है, मैं चलो आपको बताती हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना होता है, सुबह सुबह उठते हो आप, गुड मॉर्निंग बोलते हो अपने आप से। ठीक है, और जब उठते हो तो उस टाइम पे सूरज की किरणें इतनी तेज नहीं होती हैं, कहीं कहीं घरों में छांव भी होती हैं। ठीक है, उस टाइम पे आप सोचते हो जल्दी जल्दी काम निपटा दो। काम निपटाने के बाद क्या होता है, नहा के आते हो, नहाने के बाद आपको क्या करना है, उस टाइम पे क्या होता है, मतलब ज्यादातर लोगों के काम 10 बजे तक खत्म ही हो जाते हैं या फिर 8 बजे 9 बजे ऐसे भी, किसी किसी की जल्दी, क्योंकि कोई 4 बजे भी उठ जाता है तो टाइम ही होती है हर किसी की। तो उस हिसाब से आपको, आप जब नहा के आते हो ना, तो आपको क्या करना है, सनस्क्रीन लोशन लगाना है। ठीक है, सनस्क्रीन लोशन कौन सा ले हम, आपको जो भी आपको मार्केट में अच्छा लगे या आपके स्किन को सूट करे आप वो कर सकते हो, वो सनस्क्रीन लोशन ले सकते हो। ठीक है, मैंने वैसलीन का लिया हुआ है। ठीक है, SPF 13 का। ठीक है, हेल्दी ब्यूटी, ओके, मैंने ये वाला लिया हुआ है, कोई ये इस तरीके से दिखेगा नहीं, उल्टा दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, मेंशन कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका पूरा नाम डाल दूंगी। ठीक है, मैं इसे नहाने के बाद पूरी बॉडी पे आप लगा सकते हो। फुल आस्तीन की ज्यादातर कोशिश करें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, क्योंकि फिर पूरी बॉडी पे इस तरीके से हाथों पे लोशन लगाते हो तो आपका लोशन एक महीने से ज्यादा नहीं चलने वाला। तो ये भी चीज, हमारे टेंशन बहुत ज्यादा होती है कि मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है कि यार हम भी मिडिल क्लास फैमिली से, हम क्या इतने महंगे महंगे बोरो नहीं कर सकते हैं, और खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हर चीज़ सोच के चलनी होती है अपने घर के बारे में। तो अगर हम ये सोचें कि हम इस बोतल को एक महीने ही चलाएं और फुल बॉडी पे लगाएं, सन को तो दूर ही नहीं, पास ही नहीं आए, दूर दूर रखें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें कपड़ों से, फुल आस्तीन पहने, ये इतनी है। ठीक है, फुल आस्तीन यहाँ तक भी पहन सकते हैं, इतनी भी काफ़ी होती है। ठीक है, और यहाँ तक अपना सनस्क्रीन लोशन लगा लें, फेस पे लगाएं, गर्दन को ना भूलें, गर्दन पे जरूर लगाएं, पीछे गर्दन पे। ठीक है, पैरों पे लगा लें। ठीक है, नहाने के बाद आप ये करो। ठीक है, उसके बाद दिन में 3-4 बार आपको क्या करना है, गुलाब जल लेना है। ठीक है, फ्रिज में रखना है इसको स्टोर करके, जब ये ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा होगा, और जब आप किचन में जा रहे हो, घरेलू महिलाएं हैं तो किचन में जा रहे हो, तो क्या करना है, किचन में जाके फ्रिज में से निकालना है, स्प्रे करना है। ठीक है, आपको ठंडा ठंडा फील होगा, एक तो ऊपर से आपकी स्किन क्या है, रोज वाटर हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। ठीक है, स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी, आपकी हाइड्रेटिंग स्किन रहेगी, जब पानी भी पी रहे हो और फिर गुलाब जल भी स्प्रे कर रहे हो तो चेहरा खिला खिला सा रहेगा। ठीक है, अपन पूरा दिन ऐसा महसूस ही नहीं करोगे कि आप थके थके मतलब बेकार से फील कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि लोशन भी लगाया हुआ है, भाई गुलाब जल भी स्प्रे हो रहा है, तो रूटीन सा बन जाता है, स्किन भी अच्छी रहती है, हेल्दी, मतलब औरों के सामने आप जब जाओगे ना तो हेल्दी फील करोगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे 4 बार आपने दिन में सुबह शाम दोपहर और पता नहीं कब कब जब मन किया आपने स्प्रे कर लिया। ठीक है, मेरा भी आपको दिखेगा नहीं, यहाँ से दिखेगा ही नहीं, चलो छोड़ो, यहाँ तक आया हुआ है ये। ठीक है, मैंने स्प्रे कर करके इतना कर दिया।
ठीक है, अभी गर्मियों की शुरुआत हुई है, थोड़ा कम है, फिर बाद में धीरे 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 रूटीन भी अच्छा हो जाएगा, छाँव में ज़्यादा रहना पड़ेगा और धूप में जाएंगे तो कवर करके जाएंगे, ऐसे ही हमें अपना सन से प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, बहुत बात करती हूँ मैं। ओके, तो अब रात की बात आती है, शाम हो गई, सुबह भी हो गई, शाम भी हो, दोपहर भी हो गई, अब शाम की बात आ जाती है। शाम को आपको क्या करना है, कोई भी मतलब जैसे आप नहा के आते हो या फिर आप मुंह धोते हो काम करने के बाद, काम खत्म करने के बाद मुंह सब धोते हैं, अपना फेस जरूर वॉश करना चाहिए जरूर, क्योंकि पूरे दिन का जो पसीना वसीना होता है ना वो फेस को नमकीन नमकीन बनाए रखता है। ठीक है, तो मुंह जरूर धोना चाहिए, ब्रश करना चाहिए सोने से पहले, नहीं तो कैविटी हो जाएगी, दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है, और फिर वो कभी अच्छे नहीं लगेंगे। तो पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र जिसमें अच्छी खासी चिकनाई हो, ठीक है, अच्छी खासी चिकनाई, क्योंकि सुबह के टाइम आपने क्या किया था, सनस्क्रीन लोशन लगाया, उसके बाद अपने फेस पे स्प्रे करते रहे गुलाब जल, ठीक है। उसके अब लास्ट में क्या करना है, जब आखिरी टाइम आता है ना सोने वाला, उस टाइम पे आपकी स्किन को ना ड्राइनेस ख़त्म करनी है, ठीक है, पूरी रात वो बेचारी मेहनत करेगी आपकी स्किन को जो ड्राई हो चुकी है ना उसे स्मूथ बनाने के लिए। तो आपको ऐसा लोशन लेना है, आप घर से नोनी घी भी लगा सकते हो, मलाई भी लगा सकते हो, पर मलाई और नोनी घी का क्या है, वो फेस पे से हटके ना चादर पे लग जाएंगे जो आप ओढ़ रहे हो, इधर उधर कपड़ों पे लग जाएंगे, तो वो चीज़ खलारे फैलाने वाली है। तो आपको कोई भी ऐसा मॉइस्चराइजर अपने लिए यूज़ करना है, अपने लिए चुनना है जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे और आपकी स्किन के को है ना बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम कर दे। ठीक है, जैसे देखिए मेरी स्किन, पिंपल भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन है, देखो शाइन करे प्लेन तो अब मैं आपको अपना लोशन दिखाने वाली हूँ, मैं क्या यूज करती हूँ, कौन सा लोशन यूज करती हूँ, वैसलीन का ही मैं डीप मॉइस्चराइजिंग मेरी स्किन को इतना सॉफ्ट कर देता है ना, रात के टाइम जब मैं लगाती हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि मेरी स्किन पे थोड़ा सा भी रैशेज हैं या फिर ड्राइनेस आ गई है, पूरा एकदम एक बार मुंह धोया और फिर इसे लगा लिया, उसके बाद अपने सो जाओ, थोड़ा मसाज करो ऐसे ऐसे करके, डबल चिन को खींचो अपनी जो कि मेरी जा ही नहीं रही है, मैं खूब खींचती हूँ, ठीक है, आईज़ के यहाँ पे मसाज करो, इसी से कर लो आराम से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्टनेस है, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, तो ये सब चीज़ें मेरी स्किन रूटीन में आती हैं और ये बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है, ये हमारी सुबह की, ये हमारी दोपहर की, ये हमारी रात की, और ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। ओके, तो ये बिखरने लगे हैं, मैं इन्हें हटा देती हूँ। तो चलिए जी, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ये लाइन बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा।